अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू लीड। हम इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर वन का कोर्स पढ़ रहे हैं। हम सब थीरीज डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड डिबेट की, थर्ड ग्रेड डिबेट की और फोर्थ ग्रेड डिबेट की सारी थीरीज डिस्कस हो चुकी है। सिर्फ सेकंड ग्रेड डिबेट रह गई है जिसमें बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच इंक्लूडेड है, और आज ये भी डिस्कस कर लेंगे तो हमारा थीरीज का सारा पोर्शन भी कम्प्लीट हो जाएगा और फिर हम बढ़ेंगे अगले पोर्शन की तरफ। तो थीरीज की सारी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, सबकी सब प्लेलिस्ट में मौजूद हैं चैनल के ऊपर। सारे वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थीरीज के बारे में, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, और आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी ये वीडियोस, चाहे CSS का पेपर हो या PMS का पेपर हो। तो इसलिए वो सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड ग्रेड डिबेट की थीरीज को, बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच को देखते हैं कि इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं। सबसे पहले बिहेवियरल अप्रोच अगर हम देखें तो बिहेवियरल अप्रोच ये कहती है कि एक चीज और वो ये कि सेकंड ग्रेड डिबेट के अंदर जो ये थीरीज हैं बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, इनको साइंटिफिक ईरा के नाम से भी जाना जाता है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की ये थीरीज थी। जैसे मैंने आपको ये बताया था पहले वीडियो में कि ये 1950s to 1960s का जो टाइम पीरियड था उसके दरमियान ये इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और इन्हीं को बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले बिहेवियरल अप्रोच ये कहती है, ये क्या बात करती है, ये कहती है कि प्रिडिक्टिव फॉरकास्टिंग एनालिसिस होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ प्रिडिक्टिव फॉरकास्टिंग एनालिसिस होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि देखें कोई भी एक स्टेट, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ईरान की, ईरान अगर ये देखना चाहती है कि ईरान के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का क्या बिहेवियर होगा, तो ईरान एनालाइज करे पास्ट के डेटा को, देखे और फिर ईरान ये सोचे कि अब फोरकास्ट करे या प्रिडिक्ट करे कि फ्यूचर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बिहेवियर कैसा हो सकता है। जैसे कि ईरान ये देख ले कि पिछले एक डेकेड में, या फिर ये देख ले कि ट्रंप के रिजीम के दौरान वॉशिंगटन का क्या बिहेवियर रहा टूवर्ड्स ईरान, ठीक है। तो ईरान एज अ स्टेट वॉशिंगटन की एज अ स्टेट बिहेवियर को एनालाइज कर सकती है और फिर बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि उस पास्ट के बिहेवियर को देख के उसकी बेस के ऊपर प्रिडिक्टिव फॉरकास्टिंग करो, मतलब प्रिडिक्टिव फॉरकास्टिंग करके उसके एनालिसिस करो और फिर क्या करो। अच्छा, ये करना किस बात पे है, ये हिस्टोरिकल सिचुएशनल डेटा को देख के करना है कि हिस्ट्री में अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जो आपको लगता है कि फ्यूचर में भी क्रिएट हो जाएगी, तो उस हिस्टोरिकल सिचुएशनल डेटा की बेस के ऊपर, जैसे मैंने भी आपको कहा कि फॉर एग्जांपल ट्रंप के रिजीम में अभी तक जितना था, और सपोज अगर ट्रंप ही इलेक्ट हो जाता है अभी 2020 में भी, तो आगे ईरान क्या प्रिडिक्ट कर सकता है कि फ्यूचर में ट्रंप की क्या पॉलिसीज होंगी टूवर्ड्स ईरान, ठीक है। तो इस तरह से उस सिचुएशनल हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बेस करके आप प्रिडिक्टिव फॉरकास्टिंग एनालिसिस कर सकते हो, ये कहती है बिहेवियरल अप्रोच। फिर जी क्या कहते हैं कि इस बेस के ऊपर जब आपने प्रिडिक्ट कर लिया तो फिर आप क्या करो, आप एडजस्ट करो पॉलिसी ऑप्शंस को अकॉर्डिंगली। यानी अब आप जब प्रिडिक्ट कर चुके कि क्या बिहेवियर हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टूवर्ड्स ईरान, तो अब आप पहले से अपनी पॉलिसीज को एडजस्ट कर लो। आपने पहले से अगर एनालाइज कर लिया है, आपने पहले से प्रिडिक्ट कर लिया है कि फ्यूचर में यूएसए का बिहेवियर हमारी तरफ कैसा होगा, तो आप भी अकॉर्डिंगली पहले से ही अपनी पॉलिसीज बना लो। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज नॉट अ साइंस। जब इंटरनेशनल रिलेशंस एक प्योर साइंस नहीं है, ये एक सोशल साइंस है, तो ऑफकोर्स फिर ये प्रिडिक्टिव फॉरकास्टिंग एनालिसिस भी इट कैन नॉट बी डन, ये नहीं की जा सकती। इसीलिए जो मैंने आपको जब फोर ग्रेड डिबेट्स पढ़ाई थी रियलिज्म से पहले, तो मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों थीरीज को आपने अप्लाई नहीं करना है पेपर के अंदर, क्योंकि ये बात करते हैं फोरकास्टिंग की। इंटरनेशनल रिलेशंस एक प्योर साइंस नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशंस के में आपको प्योर डेटा अवेलेबल नहीं होता है, और जो डेटा आपको अवेलेबल होता है वो इतना वास्ट होता है, वो इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है फ्यूचर के लिए कि आप उसकी बेस के ऊपर कुछ प्रिडिक्ट कर सको, कि आप उसके ऊपर इस तरह से कोई भी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी अप्लाई करके कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ सोशल साइंस, तो ये थियरी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए जब क्वेश्चंस के भी आंसर्स करने हैं तो आपने इस थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करनी।
जहां तक दूसरी बात करते हैं हम सिस्टम अप्रोच की, तो सिस्टम अप्रोच वाले क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कभी भी वन ऑन वन इंटरेक्शन नहीं होता, स्टेट्स का या इंडिविजुअल्स का कभी भी आपस में वन टू वन इंटरेक्शन नहीं होता। तो फिर क्या होता है, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर हमेशा एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब ये सिस्टम क्या हो सकता है, ये यूनिपोलर हो सकता है, ये बाइपोलर हो सकता है, ये मल्टाइपोलर हो सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, यूनिपोलर सिस्टम का मतलब ये है कि दुनिया में एक ही हेजेमॉन होगा और एक ही डोमिनेंट पावर होगी जो कि पूरी की पूरी स्टेट्स को इन्फ्लुएंस किए हुए होगी। अगर कोविड 19 को साइड पर रख ले तो इससे पहले था, क्योंकि कोविड 19 के बाद अब बहुत ज्यादा परसेप्शंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए चेंज हो चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारे परसेप्शंस चेंज हो चुके हैं, लेकिन इस थ्योरी को समझने की हद तक कोविड 19 से पहले पहले अगर हम कहें तो हम यही कहते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन द वर्ल्ड और दुनिया यूनिपोलर थी। इसके बाद बाइपोलैरिटी अगर हम बात करें तो कोल्ड वॉर के एरा में एक तरफ यूएसएसआर, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये बाइपोलर ऑर्डर था। इसमें एक दो ग्रेट पावर्स थी जो कि वर्ल्ड के ऊपर हेजमनी कायम किए हुए थी। मल्टाइपोलर की अगर बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले मल्टाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, बहुत सारी पावर्स थी, किसी एक की हेजमनी नहीं थी, बहुत सारी ग्रेट पावर्स एग्जिस्ट करती थी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो ये यही कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर या यूनिपोलर या बाइपोलर या मल्टाइपोलर कोई भी सिस्टम होगा तो क्या होगा, इसके अंदर हमेशा जो भी एक्टर्स हैं यानी कि स्टेट्स हैं वो क्या करती हैं, वो कुछ रूल्स या पैटर्न्स फॉलो करती हैं और इनके दरमियान आपस में हमेशा रेगुलर इंटरेक्शन रहता है। ये जो इंटरेक्शन रहता है, इस इंटरेक्शन को करने के लिए इनके पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो ये फॉलो कर रही होती हैं, और ये पैटर्न्स या रूल्स भी ये लोग अपने पास बिहेवियर्स को देख के ही फॉलो कर रही होती हैं ताकि ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को अटेन कर सकें। लेकिन अगेन ये भी एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ये कोई भी इंटेलेक्चुअल पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस की नहीं बता रहा, ठीक है। और सेकेंडली ये एक लिमिटेड अप्रोच इस तरह से है कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को इनकॉर्पोरेट नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक वैल्यूज जितनी भी हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करती, और ये आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क नहीं बताती। इसलिए इस थ्योरी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि इसके भी इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इसलिए जस्ट ये कॉन्सेप्ट देख लें कि बिहेवियरल अप्रोच क्या कह रही है, प्रिडिक्ट करो, सिस्टम अप्रोच क्या कह रही है कि एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर स्टेट्स ऑपरेट कर रही हैं। तो इसलिए इस बेस के ऊपर हम लोग सिर्फ थीरीज का हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सेकंड ग्रेड डिबेट की थीरीज क्या कह रही हैं। जहां तक ये बात कि इनको अप्लाई करना है या नहीं करना, तो इनको अप्लाई नहीं करना आपने पेपर के अंदर। और ये सेकंड ग्रेड डिबेट थी, कंप्लीट हो चुकी है, पूरा पोर्शन थीरीज का, थीरीज एंड अप्रोचेस वाला कंप्लीट हो चुका है। आई होप थीरीज एंड अप्रोचेस आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और अब बात के जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनमें अगर बात होगी रियलिज्म की, बात होगी आइडियलिज्म की, बात होगी कंस्ट्रक्टिविज्म की या किसी भी और थीरी की, तो आगे के सारे सारे कॉन्सेप्ट्स पे फिर आपको पता होगा कि बात किस पर्सपेक्टिव की हो रही है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी को पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने, हमारा जो फर्स्ट लाइव सेशन हुआ था जूम का उसमें, तो पहले इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी देख लेंगे, उसके बाद बाकी के पोर्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ आ गई है, अगर कुछ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसका बेनिफिट आपको हो सके। दैट वॉज ऑल फ्रॉम द थियोरेटिकल एंड अप्रोचेस साइड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।